इतना बड़ा गैप अप खुलने के बाद सी को बाई करना मतलब बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। तो जल्दी से जल्दी यहाँ पर मुझे जैसे ही 5 पॉइंट मिले मैंने सो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। और दोस्तों, प्री ओपन मार्केट अभी सेशन खत्म हो गया है और आज का मार्केट बहुत ही ज्यादा गैप अप खुल रहा है, 91 पॉइंट गैप अप खुल रहा है। तो एक तो आज एक्सपायरी है और ऊपर से इतना बड़ा गैप अप खुल रहा है, तो देखते हैं आज मार्केट में किस तरीके से ट्रेड किया जा सकता है। एक्सपायरी के दिन थोड़ा सा खतरा ज्यादा रहता है क्योंकि एक्सपायरी वाले दिन ही लोग सबसे बड़ा लॉस करते हैं। तो चलते हैं अपने ऑफिस के अंदर। तो दोस्तों, अपना फर्स्ट ट्रेड कंप्लीट हो चुका है और जो कि आज का मार्केट आप देख ही सकते हो, इतना ज्यादा गैप अप खुला, 91 पॉइंट गैप अप खुला। उसके बाद सी में जाने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत थी और इसलिए मैं बहुत ही छोटे पॉइंट यहाँ पर लेके निकल गया। लगभग 5 पॉइंट मैंने लिए हैं। अभी मैं आपको ऑर्डर बुक दिखाता हूँ, यहाँ पर देख सकते हो 65 पे लिया और 70 के आसपास भेज दिया, मतलब 5 पॉइंट के आसपास मैंने इसमें बुक किए। मार्केट ओपन होने के कुछ सेकंड बाद मैंने इस ऑर्डर को लिया था और इसमें ज्यादा पॉइंट इसलिए नहीं मिले मुझे क्योंकि मार्केट ओपन होते ही अगर ऑर्डर पंच करते हैं वहां पर स्मूथली पंच नहीं होते हैं, मतलब ऑर्डर हमारा लग जाएगा और हमें पता नहीं चलेगा, उसको रिफ्रेश करते रहेंगे और उसके बाद पता भी नहीं चलेगा कौन से प्राइस पे हमें मिला है। और जैसे ही एग्जिट करते हैं तुरंत, तो एग्जिट करने में भी ऐसे ही होता है, प्राइस कुछ और चल रहा होगा और वो सेल किसी और पे होगा। तो इसलिए ऐसा होता है मार्केट ओपन होते ही, तो वहाँ पे रिस्क बहुत ज्यादा बना रहता है, इसलिए जितनी जल्दी निकला जाए प्रॉफिट लेके उतना अच्छा होता है। और फर्स्ट ट्रेड का लॉजिक यही था कि जब मार्केट ओपन हुआ एकदम से नीचे गया, जैसे ही थोड़ा सा ऊपर जाने लगा तो फिर से सी के प्राइस बढ़ने लगे थे, तो मैंने एकदम एंट्री ली और एकदम ही एग्जिट कर दिया उसको। तो जब से मार्केट ओपन हुआ है ऊपर ही चढ़ते जा रहा है, अभी तक इसने सेलिंग स्विंग नहीं बनाया है। जब तक एक सेलिंग स्विंग नहीं बनता अच्छा सा 5 मिनट के चार्ट पे, तब तक जल्दबाजी हो जाएगी ट्रेड करने में। तो दोस्तों, अभी टाइम हो रहा है 10:50 और मेरा यहाँ पर प्रॉफिट 11,000 प्लस हो चुका है। ये मैंने सी साइड एक ट्रेड लिया था, इसमें छोटा सा ही प्रॉफिट बुक करना पड़ा क्योंकि प्रॉफिट तो थोड़ा सा इसमें ज्यादा गया था लेकिन एकदम से पलटने लगा था, तो मैंने तुरंत इसको निकाल दिया एक छोटे से प्रॉफिट में। लॉस होने से तो अच्छा है कि छोटे से प्रॉफिट में या ब्रेक इवन पे निकाल दो, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो जैसे ये वाला एक ग्रीन कैंडल बना जिसने प्रीवियस कैंडल को इनगल्फ किया, मतलब इनगल्फिंग कैंडल बना, ठीक है। तो इसी कैंडल के क्लोजिंग पे मैंने ट्रेड लिया, थोड़ा सा ऊपर गया वो, तो उसमें जैसे ही प्रॉफिट कम होने लगा मैंने उसको तुरंत निकाल दिया। और उसके बाद देखो मार्केट का हाल, पिरामिड जैसा पैटर्न इसने यहाँ पे बना दिया है। तो देखते हैं अभी क्या होता है, ठीक है। वैसे आज एक्सपायरी है, वॉलेटाइल भी रह सकता है, तो सेफ ट्रेड करेंगे भाई। तो दोस्तों, मैंने अपने टैबलेट के लिए एक स्टाइलस ऑर्डर किया हुआ था जो कि अभी आ चुका है और इसका जो पैकिंग था वो मैंने निकाल दिया है, अभी ये बॉक्स में है और चल के इसको टेस्ट करते हैं, बहुत ही अच्छा है। और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ये स्टाइलस आपका एंड्रॉयड फ़ोन हो या फिर लैपटॉप हो या फिर एप्पल, कोई सा भी डिवाइस हो, बस टच होना चाहिए, उस पर आराम से वर्क करेगा। तो दोस्तों, अभी 12 बज चुके हैं और अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक ट्रेड लिया जो कि पी साइड था, 19,500 का पी, 6,700 का प्रॉफिट मैंने इसमें बुक किया, टोटल प्रॉफिट मेरा 17,700 का हो गया है। और आज का मार्केट वैसे तो बहुत अच्छा है लेकिन ऐसी मार्केट में डर बहुत लगता है, जब इतना बड़ा गैप अप खुले फिर एकदम से लगातार ऊपर ही चला जाए तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन वाला मार्केट हो जाता है ऐसे में कि भाई बायर बहुत ज्यादा एक्टिव है, तो डाउन साइड का ट्रेड तो सोच ही नहीं सकते। तो एक ट्रेड तो इस पे यहाँ पे बन रहा था जब डे लो को इसने ब्रेक किया, पर मैंने वहां पर नहीं लिया, आज अपने आप पे कंट्रोल रखा कि चलो कोई बात नहीं, अगर आज कम प्रॉफिट भी बनेगा तो चलेगा, पर लॉस नहीं करना क्योंकि एक्सपायरी के दिन लॉस ज्यादा होता है। तो अभी जो ये मैंने ट्रेड किया था वो किया था ये जो प्रीवियस डे का हाई है, यहाँ पर मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर काफी टाइम बिताया इसने, फिर एक बड़ा ग्रीन कैंडल बनाया ताकि लोगों को ये लगे कि अभी यहाँ से फिर से बायर एक्टिव हो गए हैं, लेकिन मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया है। जैसे ही यहाँ पर रेड कैंडल बनना शुरू हो जाता है और ये इस हॉरिजॉन्टल लाइन को ब्रेक करता है तो यहीं पे मैं ट्रेड ले लेता हूँ। और उसके बाद देख सकते हो अगला कैंडल भी काफी नीचे तक गया है और ऊपर आके क्लोजिंग दी है, तो इसी में मेरा प्रॉफिट बुक हो गया है। सिंपल सा लॉजिक ये है कि प्रीवियस डे को जब इसने दोबारा से ब्रेक किया, एक बार तो यहाँ पे किया, जब ऊपर जाके दोबारा ब्रेक किया तब मैंने यहाँ पर डाउन साइड का एक ट्रेड लिया और प्रॉफिट जल्दी उसमें बुक कर लिया, नहीं तो लॉस भी हो सकता था क्योंकि इस कैंडल ने ऊपर जाके क्लोजिंग दी है। लेकिन आज मैंने अपने छोटे वाले अकाउंट में अच्छा परफॉर्मेंस किया है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ कितना मैंने उसमें प्रॉफिट बनाया है। यहाँ पर देख सकते हो वैसे तो गिरावट अभी कंटिन्यू चालू है लेकिन मैं कोई ट्रेड नहीं कर रहा हूँ और इसमें जो मेरा अभी प्रॉफिट है वो 5,000 प्लस हो चुका है। मैंने इसमें 4 स्कैल्पिंग ट्रेड किए जो कि मेरा पी साइड ये वाला था,
इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट मैंने बुक किया 4000 के आसपास का, बाकी छोटे छोटे प्रॉफिट है और ये एक छोटा सा लॉस है, तो टोटल प्रॉफिट इसमें 5000 प्लस मेरा बन चुका है। और मार्केट में गिरावट कंटिन्यू है और प्रीवियस डे के क्लोजिंग के पास अभी मार्केट आ गया है। कम प्रॉफिट बने चलेगा, ज़्यादा के लालच में मतलब फंस भी सकते हैं, क्योंकि एक भी ट्रेड अगर गलत फंस गया ना तो वहाँ पर ये जो छोटा प्रॉफिट बना हुआ है, वैसे तो इसको छोटा नहीं बोलेंगे, 17000 रुपये कम नहीं होता है एक दिन का, तो ये हाथ से जाएगा तो बड़ा गंदा फील होएगा, आप खुद समझ सकते हो, है ना। और कुछ लोग पूछते हैं कि ब्रोकरेज कितना लगा है, तो चलिए मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कितना ब्रोकरेज यहाँ पे लगा है। तो कॉन्ट्रैक्ट नोट पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ब्रोकरेज दिखा देगा, 1341 रुपए लगे हैं मेरे ब्रोकरेज। पहले मैं आपको ऐसे उंगली से बताता था चार्ट के ऊपर कि यहाँ ऐसे किया यहाँ ऐसे किया, अब उंगली की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब इस पेन से काम कर सकता हूँ मैं, यहाँ पर मैं चार्ट पे कुछ भी आपको समझा सकता हूँ और इस पेन से मतलब कुछ भी ड्रॉ कर सकता हूँ। और यहाँ पर कुछ ड्रॉइंग भी मैं करके दिखाता हूँ आपको, तो यहाँ पर देख सकते हो कितना स्मूथ चल रहा है ये, और इससे काफ़ी हेल्प मिल जाएगी, जैसे ट्रेंड लाइन वगैरह कुछ भी मुझे बनानी हो आपको समझाना हो तो इससे इजीली मैं कर सकता हूँ। ये देखो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन जा रही है, अभी मार्केट डाउन ट्रेंड में, तो बहुत ही बढ़िया ये काम करने वाला है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये मेरा स्मार्टफोन है, इस पर मैं ऐसे चलाता हूँ तो बड़े अच्छे से इस पर भी काम कर रहा है, 390 रुपये में कोई ज़्यादा बुरी चीज़ नहीं है और बहुत ही बढ़िया से वर्क करती है। 10 बजे के बाद से मार्केट डाउन ट्रेंड में ही जाते जा रहा है, लेकिन मैं कोई ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, जो मेरे 3 ट्रेड हो चुके थे जिसमें मैंने 17000 प्लस प्रॉफिट बनाया था उसी पे ही मैं बैठा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो 3:06 हो रहे हैं और मैंने 3 PM पे एक ट्रेड लिया जिसमें 40000 प्लस मैंने प्रॉफिट बुक किया। यहाँ पर देख सकते हो ये वाला ट्रेड मैंने PE साइड लिया, ये इतना बड़ा प्रॉफिट क्यों हुआ, यहाँ पर मैंने बड़ी क्वांटिटी पंच की थी। इस ट्रेड का मैं लॉजिक बताऊंगा और इस वाले का भी बताऊंगा इसमें लॉस क्यों हुआ। आज मैंने 5 स्कैल्पिंग ट्रेड किए हैं और ये भी इसलिए कर दिए मैंने क्योंकि सुबह से रुका हुआ था और मार्केट गिरे जा रहा था, ठीक है। तो चलिए वो अलग की बात है, मैं आपको पहले ऑर्डर बुक दिखाता हूँ यहाँ पे, और ये हमारा ऑर्डर बुक है। तो नीचे जाके देखते हैं, यहाँ पर जो मैंने ऑर्डर अपना लगाया था बाइंग ऑर्डर 18, 18 और 18, तो 5400 क्वांटिटी मैंने यहाँ पर ली 55-56 के भाव पे, और जैसे ही मुझे एक अच्छा प्रॉफिट दिखाई दिया तो यहाँ पर 62 के भाव पे मैंने बेच दिया। और ये ट्रेड कितनी देर में कम्प्लीट हुआ वो भी देख लेते हैं, 3:02:26 पर मैंने एंट्री ली और 3:02:36 पे मैंने बेच दिया, यानी कि 10 सेकंड में मैंने जो प्रॉफिट बनाया वो 40000 प्लस बना लिया है इस वाले ट्रेड में, ठीक है। तो पहले मैं आपको ये वाले ट्रेड का लॉजिक बताता हूँ जिसमें सी मैंने बाई किया था और 11000 का मैंने लॉस बुक किया और इसमें सिर्फ 1800 क्वांटिटी थी, इसमें 6 पॉइंट का मैंने SL ले लिया। तो चलिए चार्ट पे आते हैं यहाँ पर, तो चार्ट पर अगर देखोगे तो यहाँ पर काफ़ी देर से मार्केट एक ही रेंज में फंसा हुआ था, ठीक है, और फिर इसको ब्रेक करने की भी कोशिश करी 2-3 बार जो कि फेल हो गया। तो मार्केट जब इस रेंज में घूम रहा था काफी देर से और एक ये ग्रीन कैंडल ऊपर क्लोजिंग दिया, तो मैंने यहाँ पर इसी ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग पे CVY कर लिया, लेकिन प्राइस उससे ऊपर गया नहीं, नीचे ही जाने लगा, तो छोटा सा लॉस लेके मैं इसमें निकल गया 6 पॉइंट का जो कि 1800 क्वांटिटी थी। तो इस वाले ट्रेड का तो यही लॉजिक था कि एक रेंज का जो ब्रेकआउट मिला ये वाला यहाँ पर इस ग्रीन कैंडल में, तो मैंने ये CVY कर लिया था जो कि फेल हो गया। चलिए अब बात कर लेते हैं जो मेरा PE वाला ट्रेड था उसका क्या लॉजिक था। तो जब मेरा सी साइड लॉस हो गया था फिर मैंने वेट किया 3 PM का, तो यहाँ पर देख सकते हो नीचे जाके इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ये भी फेल किया, एक बड़ा ग्रीन कैंडल बना दिया इसने यहाँ पे, लेकिन रेंज के अंदर ही क्लोजिंग दी, तो यहाँ से कन्फर्मेशन नहीं मिला कि मार्केट अभी रिकवरी दिखाएगा, और धीरे धीरे करके यहाँ पर एक अच्छा वाला ब्रेकआउट दे दिया जो कि 3 PM से पहले था। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा पास से बताता हूँ, ये जो ग्रीन कैंडल आपको नजर आ रहा है ये 3 PM वाला कैंडल है, तो मुझे कंफर्मेशन तो PE में ट्रेड करने का यहीं से मिल गया था कि अब असली वाला ब्रेकआउट हुआ है, दोनों साइड के ब्रेकआउट फेल करके अब जो ब्रेकआउट इसने दिया है ये वाला ब्रेकआउट सही है, ठीक है। तो 3 PM पे मेरा पूरा व्यू जो बन गया था वो PE बाय करना बन गया था बड़ी क्वांटिटी में। तो जैसे ही ये एक 3 PM का कैंडल बनता है पहले तो थोड़ा सा ऊपर जाता है, उसके बाद जैसे ही नीचे जाने लगा तो मैंने तुरंत एंट्री ली इस वाले कैंडल में ही और तुरंत ही प्रॉफिट को बुक कर लिया 10 सेकंड के अंदर अंदर। अगर उसमें मैं बना रहता तो उसमें बड़ा लॉस हो जाता क्योंकि इस कैंडल ने नीचे जाके और ऊपर क्लोजिंग दी है। तो ये मेरा 3 PM का ट्रेड का लॉजिक था, कंफर्मेशन के साथ मैंने ट्रेड लिया, कंफर्मेशन मिला मुझे इस वाले कैंडल पे। तो व्लॉग से अगर कुछ सीखने मिला है तो लाइक जरूर करना और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं कल ऐसे ही लर्निंग और इंटरेस्टिंग व्लॉग में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।